आज मैं आपको पजामी सिंपल तरीके से बताने के लिए जा रही हूँ कि सिंपल तरीके से पजामी को कैसे काटा जा सकता है, बहुत ही इजी और आसान तरीके से। ये मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है, ये हमारी दो तह है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमारी चार तह हो गई है, एक दो तीन और ये चार। तो सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं, ये हमारी लंबाई है, लंबाई हमें 40 इंच रखनी है। तो यहाँ से हमारी ये 40 इंच लंबाई आ रही है, तो यहाँ से मैं इस पे 40 इंच पे निशान लगा देते हैं। ये हमारे हिप्स आएंगे, हिप्स हमें यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा देती हूँ मैं। 40 इंच लेंगे हम हिप्स, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिए हैं। यहाँ से हम लेंगे 14 इंच, तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ मैंने 14 इंच पे निशान लगा दिया है। क्योंकि हमारे 1.5 इंच यहाँ पे फोल्ड भी होगा। जो हमारी यहाँ पे मोरी है वो हमारी यहाँ से लेंगे हम 6 इंच, तो यहाँ से मैंने 6 इंच पे मोरी पे निशान लगाया है। जो हमारे ये पोंचे होते हैं मतलब, तो वो हमारे यहाँ पे 6 इंच पे लगाया है। और 6 इंच हम यहाँ से लेंगे 10 इंच तक, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे हम यहाँ पे भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम आधा आधा इंच यहाँ पे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, आधा आधा इंच, या आप ऐसे हल्के से इसको गोल करोगे। या मैंने ये निशान लगा दिया है, ये हमारी सिंपल तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे कटिंग करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से पजामी की कटिंग कर चुके हैं। अब ये हमारी यहाँ से ये हमारी सिंपल तरीके से पजामी की कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।